नमस्कार किसान भाइयों, मंडे भाव इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बात करते हैं मंडी कब शुरू हो रही है मध्य प्रदेश की, तो जानते हैं पूरी खबर। मुख्यमंत्री के निजी सचिव के आश्वासन पर मंडी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, लेकिन व्यापारियों की हड़ताल जारी रहेगी। लंबे समय से चली आ रही मंडी बोर्ड के कर्मचारियों की भूख हड़ताल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निजी सचिव के आश्वासन पर समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अभी प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसके चलते हटते ही कर्मचारियों की मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री के निजी सचिव के द्वारा दिए गए आश्वासन के उपरांत मंडी बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, लेकिन व्यापारी अब भी हड़ताल पर बने हुए हैं। इससे किसानों की उपज अभी भी मंडियों में नहीं बिक सकेगी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी समिति के अध्यक्ष राहुल तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार अभी तक मंडी बोर्ड के कर्मचारियों को अपना कर्मचारी नहीं मान रही है, साथ ही उनके वेतन एवं भत्तों का भी निराकरण नहीं किया जा रहा है बाजार में आज, जिसके चलते कई बार प्रदेश सरकार को अवगत कराया, लेकिन अब तक मंडी बोर्ड के कर्मचारियों की मांगों का निराकरण चैनल को प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया। ताकि आगे आने उन्होंने वाले कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मंडी कर्मचारियों के हित में निर्णय न लिए जाने पर अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू की, और इसके बाद भी जब प्रदेश सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी तो मजबूरन भूख हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा। पूरे प्रदेश में मंडी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा की गई भूख हड़ताल के चलते मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने भोपाल में संघ के प्रांताध्यक्ष को आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय से तैयार हो चुका है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के कारण घोषणा नहीं की जा सकती है। निजी सचिव के आश्वासन देते हुए कहा कि चुनाव होने के उपरांत मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री के निजी सचिव द्वारा दिए गए आश्वासन के उपरांत मंडी बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है, लेकिन व्यापारियों की हड़ताल जारी रहेगी। पूर्व की भांति मंडी संचालित किए जाने के लिए मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी अभी भी अनिश्चितकाल हड़ताल पर बने हुए हैं। मंडी में कार्यरत व्यापारियों ने कहा कि जब उनकी मंडी पूर्व की तरह संचालित नहीं की जाती तब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। गौरतलब है कि मंडी में आने वाले किसानों पर रोक लगा दी गई तथा यह बिल तैयार किया गया कि अब किसान अपनी सुविधा अनुसार किसी भी स्थान पर जाकर अपना माल विक्रय कर सकता है, जिसका व्यापारियों के अलावा तुलावटों ने विरोध जताया है। किसान साथियों, और भी किसान समाचार के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समाचार की आपकी नोटिफिकेशन मिल पाए। जय जवान, जय किसान। Thank you.